नोनी आपने कितना महीना इस्तेमाल किया? आपका पहले डायबिटीज था कितना मुझे बताइए? सॉरी, खाना खाने के बाद? खाना खाने से पहले? खाना खाने के बाद। कितने साल से आपको डायबिटीज है? एक साल से। आपने कोई मेडिसिन दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज किया पहले, एलोपैथी या कुछ और? ओके फाइन। आपने नोनी कितना महीना खाया? 8 महीना। अभी आपका कितना है? टेस्ट किए कभी? टेस्ट किए? अभी नॉर्मल है? वेरी गुड। अभी आप नोनी यूज करते हैं आगे? अभी कर रहे हैं? वेरी गुड, थैंक यू। एक बार जोरदार मैडम, आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? सॉरी, शकीला। शकीला, ओके, थैंक यू। किसी और को कोई रिजल्ट मिला है नोनी यूज करने से? मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑडियंस में से कोई और? नहीं, कोई नोनी इस्तेमाल किए या किसी और को दिए? मेरे घर में हुआ है। सर, हम पैदल सब जगह जाते हैं, हमारे यहाँ कोई है नहीं, हम अकेले हैं। ओके, हां, कहीं कुछ मतलब डर नहीं करता। आपने यूज किया है? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। सर, आपको प्रॉब्लम है? हाँ सर, मेरी मम्मी को एक घुटने का दर्द था, बहुत जगह दिखाया चिकने वाले की, इसके लगातार 3 महीने सेवन से बहुत रिलीफ है, बहुत अच्छी है। थैंक यू, ओके, प्लीज बैठे। साइंस में नोनी को रिसर्च के बाद WHO और कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे हेल्थ और सबसे हेल्थ का सबसे बड़ा बॉडी, WHO जब रिसर्च करने के बाद, जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए, तो नोनी को उन्होंने दर्जा दिया मैजिकल फ्रूट के नाम से। अब मैजिकल फ्रूट का मतलब क्या होता है? जादुई फल। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया? इसका कुछ तो कारण होगा। नोनी, ज्यादातर लोग नोनी के बारे में नहीं जानते, अक्सर लोग उसको, आप किसी को भी बोलेंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा नोनी है क्या, पता नहीं, हम तो कभी सुने भी नहीं। अगर आप जो पुराने लोग हैं, हाँ, आप देख सकते हैं ये नोनी ऊपर वाला फल ग्रीन कलर का, यही है नोनी। ये कहीं थोड़ा थोड़ा सीताफल जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा ये सीताफल जैसा दिखता है। तो ये नोनी के बारे में जब रिसर्च किया तो पता चला नोनी का स्वाद और गंध बहुत ही खराब है, पचे हुए अंडे जैसा। तो अक्सर लोग इसको पी नहीं पाते इसके स्वाद की वजह से, और इसी वजह से आज तक नोनी का ज्यादातर फसल नहीं होता, क्योंकि लोगों पर डिमांड नहीं है उसका स्वाद और उसके गंध की वजह से। तो लोग इसको जंगली फल समझ के फेंक देते। लेकिन अगर जो पुराने लोग हैं, अगर आप उनको पूछो आप कभी आंचू फल या आंची फल का नाम सुने हैं क्या, तो शायद ऐसे लोग हो जो इसके बारे में सुने हो। उसको हमारे लोकल भाषा में आंची या फिर आंचू फल बोला जाता है। कि नोनी दुनिया का एक ऐसा मात्र फल है, इसको रिसर्च करने के बाद पता चला एक ऐसा मात्र फल है जिसमें 150 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो दुनिया में शायद और किसी फल में नहीं पाया। ये नोनी दुनिया का एक ऐसा मात्र फल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सभी प्रकार के विटामिन आपको इस नोनी में मिलते हैं, जो आपको कई बार और दूसरे कोई फल में नहीं मिलता। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आप 1 एकड़ नोनी का फसल करें और उसको निचोड़ के निकाले, जितना न्यूट्रिएंट्स आपको 1 एकड़ के नोनी में मिलता है उतना ही न्यूट्रिएंट आपको 400 एकड़ सेब से मिलता है। मतलब सोच लीजिए, 1 एकड़ नोनी में जितना आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कितने सेब में मिलता है? 400 एकड़ जमीन पे अगर आप सेब करें तो उतना ही न्यूट्रिएंट्स आपको सिर्फ 1 एकड़ में मिलता है। ये इतना पावरफुल चीज है नोनी। ऐसे कई बार हुआ है कि जिन लोगों को 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट स्टेज होता है, तो डॉक्टर्स कई बार उनको नोनी रिकमेंड करते हैं। और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो 4th स्टेज के कैंसर, जहां पर कोई मरीज ठीक होकर वापस भी नहीं आ सकता, वहां से भी नोनी असर देना शुरू किया है और उन लोगों को रिकवर किया है। ये इतना पावरफुल चीज है। ऐसे कई सारे पेशेंट, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी मतलब जिन लोगों का बच्चा नहीं होता, उनका भी सॉल्यूशंस नोनी करके दिखाया। मैं आपको
एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा जो रियल लाइफ में मेरे साथ बात में हो रहा है। आज से 5 साल पहले मैं गुवाहाटी गया था प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए। वो मेरे करियर का शुरुआती दौर था और मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुनने के लिए उस हॉल में 3,000 लोग आए थे। वहां पर ट्रेनिंग देते देते मैं अक्सर लोगों को ऑडियंस से ही पूछता हूं कि आपको ये प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदा मिले हैं प्लीज बताइए, क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हैं इनको मैंने पैसा नहीं दिया बोलने के लिए, ये जो है ये लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलेंगे। अगर बुरा भी हुआ है तो भी खड़ा होकर बोलेंगे। तो मैं अक्सर इन्हीं लोगों को पूछता हूं, इसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं हम लोग। तो वहां पर उस इवेंट में वहां पर एक मैडम आई हुई थी जिनका नाम था मीनू बेगम, और वो मैडम मैंने 5 लोगों को स्टेज में बुलाया था तो उनमें से एक थी वो मैडम मीनू बेगम। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि आज से 12 साल पहले, मतलब 12 साल तक उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी और वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कई सारे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन वो गुवाहाटी आए हुए थे और ऐसे ही कोई दूर के रिश्तेदार, कोई एक भांजे हैं उनके, तो उनके भांजे से मुलाकात हुआ। तो उनका भांजा जो है वो हेल्थ सेंटर पे काम करते थे, और जब उनको पता चला कि ऐसा मामी जी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके मामी जी को उन्होंने कहा कि मामी जी आप इतने हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप एक नोनी बोल के फ्रूट जूस आता है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उनकी मामी जी जब ये सुने तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, वो हंसे और बोले कि मैं इतने हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूं, तुमको लगता है कि ये नोनी फ्रूट काम कर देगा? तो वो बोले ये तो मुझे नहीं पता कि नोनी फ्रूट काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि इसको फल समझ के पीजिए, इसमें बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं जो एटलीस्ट आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा और दूसरे चीजों से बचाएगा। तो उनकी मामी जी सोचे कि हाँ सही बात है, अगर फ्रूट है इतना अच्छा है तो यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, यूज कर ही सकते हैं। तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, राइट। अब 3-4 महीना रेगुलरली यूज करने के बाद अचानक से 2-3 दिन से इस हिस्से को हम लोग साइंस में एब्डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। तो इस हिस्से में उनको पेन होना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा गैस बन रहा था 2-3 दिनों से। तो उनके जो फैमिली डॉक्टर है उनको वो फोन किए और बोले कि सर 2-3 दिन से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एब्डोमेन ऊपर वाले हिस्से में, और मुझे कंटिन्यूअसली गैस हो रहा है और एसिडिटी हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि मैडम आपने खाने पीने में कुछ गड़बड़ी किया था? तो वो बोले कि नहीं सर, मैंने खाने पीने में कोई गड़बड़ी नहीं किया था, जो डाइट आप लिख के मुझे देते हो मैं वही डाइट हमेशा खाती हूं, तो मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं किया था। तो डॉक्टर बोले कि ये शायद कुछ भी हो सकता है यार, आप एक काम कीजिए अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आया उन्होंने क्या किया, उनको मेल कर दिया या फिर फैक्स कर दिया। तो डॉक्टर साहब का उनको फोन आया और वो बोले मैडम आप इन कुछ दिनों के बीच में यहां वहां का कुछ मेडिसिन खाए थे मुझे बिना बताए? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने ऐसा कोई मेडिसिन का यूज नहीं किया, जो मेडिसिन आप मुझे लिख के देते थे वही मेडिसिन में इस्तेमाल करती हूं। हाँ कुछ दिनों से मैं फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रही हूं जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। फ्रूट जूस है तो मैंने सोचा क्या बताऊं। तो उन्होंने पूछा क्या फ्रूट जूस है? उन्होंने बोले कि मैं नोनी बोल के एक फ्रूट जूस मेरे रिश्तेदार दिए थे, मैं उसका यूज कर रहे। तो उन्होंने पूछा कि किसने दिया था आपको? बोले मेरे एक भांजे हैं उन्होंने दिया था। तो उनको बोले मैडम आप एक काम करो, आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए मेरे क्लिनिक में, और जो भी आपको ये दिए थे आप उनको भी फोन कीजिए और उनको भी हॉस्पिटल बुलाइए। अब ये मैडम उनको फोन किए कि मेरे को डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोले और मैं हॉस्पिटल जा रही हूं और आपको भी बुलाए हैं, मुझे पूछे कि किसने दिया, तो मैंने बोला आप दिए हो तो आप भी हॉस्पिटल आओ। अब ये सुन के इसकी फट गई, मुझे क्यों डॉक्टर बुला रहा है? अब ये बेचारा डरा सहमा हॉस्पिटल पहुंचा और जैसे ही क्लिनिक का गेट, मतलब जहां पर जो उनका कैबिन है वो गेट खोल के जस्ट अंदर आने ही वाला था कि मैडम उसको देखती ही बोलती है यही है वो जिसने मेरे को दिया था, अब मुझे पता नहीं पेट में कैंसर वैंसर हो गया है क्या हो गया, अगर मैं मर गई तो इसके ऊपर केस ठोकूंगी मैं सबको बोलूंगी इसके ऊपर केस ठोकने के लिए। अब ये पागल, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये चिल्लाई जा रही है।
अब ये पूरा डरा सहमा आया, ये पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया अचानक आप मेरे को बुलाए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं गुस्से में कि आपने अपनी मामी जी को ये दिया था नोनी? बोला हाँ सर मैंने ही दिया था। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या बोल के दिया था? बोला सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये फल का रस है, अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट मिले या ना मिले मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करेगा, फल ही समझ के पी लीजिए, आपके बॉडी को अच्छा करेगा। तो मैंने इतना ही बोला था। अब ये पैसा वैसे चल रहा है, मैडम भी उत्तेजित हो गई है, ये भी गाली के ऊपर गाली दिए जा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसको फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपको किसने दिया? बोला कि सर मेरे जिस कंपनी में काम करता हूं उसमें नोनी हम लोग जूस बना के देते हैं लोगों को, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं कैटलॉग लेके आया हूं, आप देख लीजिए, आप प्रोडक्ट के बारे में सब जान जाएंगे। तो वो उनको फिर से डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कौन बताता है? बोले सर हमारे कंपनी में हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, वो आते हैं हम लोग को बताते हैं। सर मैं सही बोल रहा हूं, मैंने कुछ काम नहीं किया ऐसा गलत, मैं बहुत लोगों को दे चुका हूं पहले भी। और पैसा वैसे ही चल रहा है, माहौल गर्म है, मैडम चिल्लाए जा रही है। तो डॉक्टर ने मैडम को जैसे तैसे शांत किया, बोला मैडम थोड़ा रुकिए रुकिए मुझे बात करने दीजिए। और वो बोले भाई साहब अभी काम करो, दो तीन बॉटल नोनी मुझे भी ला के दो। सामने वाला जो मैडम बैठी है, सामने वाले मैडम बैठी है, वो बोलती है कि सर आप क्यों नोनी के, आप क्यों मांग रहे हो नोनी? तो उनके सामने जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट पड़ा हुआ था, डॉक्टर साहब ने क्या किया उसको पलट दिया और उन्होंने कहा कि मैडम ये जो आप तीन चार महीने से नोनी यूज कर रहे हैं ना, ये जो आपको दो तीन दिन से कुछ दर्द दे रहा है, आपको लग रहा है, आपको पता तक भी नहीं है कि आप लास्ट एक महीने से ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और आपको पता तक भी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और मैं इसलिए मंगा रहा हूं ताकि मेरे जो पेशेंट्स जो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं उन लोगों को मैं नोनी रिकमेंड करूं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन वो 3000 का हॉल जो भरा हुआ था वो तालियों से गूंज रहा था, मैं आज तक भी वो नजारा भूल नहीं सकता, वो मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। वहां पर सब तालियां मार रहे थे, सीटी बजा रहे थे, लेकिन वहां पर एक ऐसा इंसान था जो रो रहा था, और वो थे वो मैडम जो जिनके साथ ये बीती थी। वो स्टेज पे खड़े होके सब तालियां बजा रहे थे और वो स्टेज पे खड़े होके रोते रोते ये स्टोरी बता रहे थे। मेरे लिए या आपके लिए शायद ये छोटा सा इंसिडेंट हो सकता है जो मैंने सिर्फ 5 मिनट में बता दिया, लेकिन जिसका 12 साल से कोई बच्चा कोई औलाद नहीं था, आप समझ भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते उस इंसान को कैसा लगता होगा जिसका इतना बड़ा प्रॉब्लम था। और वो मैडम बोलते बोलते रो रही थी और अचानक से बोली कि सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हस्बैंड को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। उनके हस्बैंड स्टेज के नीचे खड़े थे एक छोटे से बच्चे को पकड़े हुए, उसको व्हाइट कपड़े से मतलब लपेटा गया था और वो उसको पकड़ के खड़े थे। तो उनके हस्बैंड स्टेज के ऊपर जैसे ही आए, इन्होंने वो बच्चे को उनके हाथ से ले लिया, उसका मुंह थोड़ा सा खोल दिया ताकि सब कोई देख पाए, और वो 3000 लोगों के सामने उन्होंने ऐसे दिखा के सामने हाथ उठा के उन्होंने कहा कि ये है वो मेरी बच्ची जो नोनी यूज करने के बाद 12 साल बाद ये पैदा हुई नोनी की वजह से, और आज मैं नोनी यूज करके इतनी खुश हूं कि मैं और मेरे हस्बैंड हमने डिसाइड कर लिया कि अपनी बच्ची का नाम नोनी बेगम देंगे। तो आज ऐसा एक बच्चा भी है, आज इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी है जिसका नाम नोनी बेगम है। अब सोच के देखिए हमारे पास क्या चीज है और हम इसका कुछ भी उपयोग नहीं करते, या फिर लोगों को भी नहीं बताते या खुद भी इस्तेमाल नहीं करते। ये नोनी में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इतने मिनरल्स और विटामिन्स हैं कि वो आपके बॉडी के हर कमी को बैलेंस कर देता है, वो हर कमियों को पूरा कर देता है। इसीलिए जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने घर में डेली कोल्ड ड्रिंक्स पे जो पैसा खर्चा करते हैं, मिठाई पे जो पैसा खर्चा करते हैं, वो सब पैसे को वहां पर खर्चा ना करके एटलीस्ट एक नोनी का बॉटल लेके जाए और खुद भी पिए और अपने बच्चों को भी पिए। मैं अक्सर लेडीज लोग को देखता हूं करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उनके पति का उम्र बढ़ जाए। भाई करवा चौथ का व्रत रखने से मुझे तो नहीं लगता कि उम्र बढ़ता होगा, लेकिन हाँ आप एक बॉटल नोनी अगर उनको पिला दे तो एटलीस्ट 3-4 साल और जी लेंगे वो। इंग्लिश में हमको एक कहावत बोला गया था जब मैं छोटा था, छोटे से मैं सुनते आ रहा हूं एक कहावत कि एन एप्पल अ डे कीप्स द
डॉक्टर रवे, अगर दिन में एक एप्पल अगर आप खाएं तो आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आईएमसी में जितने भी लोग आप बैठे हो, आज जो सुने हो, आज के बाद एक नया कहावत कहना, अ नोनी ए डे कीप्स द यमराज अवे। अगर आप डेली नोनी पीते हो तो डॉक्टर तो छोड़िए, यमराज भी आपके पास नहीं। दोस्तों हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों का लाइफ चेंज करके रख सकते हैं। आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आप ये जान रहे हो, तो अपने तक सीमित मत रखिए, जितने लोगों को हो सके बताइए इसके बारे में, क्योंकि शायद आपके बोलने से किसी और का लाइफ चेंज हो सकता है। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड टाइम से दोस्तों।